हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और घर पे ही रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि घर पे रह के आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स के मैक्सिमम पार्ट को कवर कर लिया था, तो अब आते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक में इस चैप्टर के, दैट इज फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम जानने से पहले हम लोगों को जानना होगा कि रिमाइंडर थ्योरम क्या था। ओके, तो इसके लिए आपको पिछले वीडियो में जाना होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, उसे अगर हम लोग एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो एक्स इज इक्वल टू ए होता है। एक्स की जगह पे अगर ए पुट करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, द रिमाइंडर विल बी पी ए। ना, इस बात को याद रखते हुए अब हम लोग शुरू करते हैं कहाँ, फैक्टर थ्योरम को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फैक्टर थ्योरम के स्टेटमेंट को। क्या है ये? इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड ए इज एनी रियल नंबर। जैसा रिमाइंडर थ्योरम में था वैसा ही फैक्टर थ्योरम का भी स्टेटमेंट है। ओके, तो क्या कहा जा रहा है कि देन एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इज इक्वल टू जीरो। देन एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स पी ऑफ एक्स इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। देन अब याद होगा आप लोगों को कि P of A क्या हुआ करता था। P of A was the remainder। ये क्या था? Remainder था। तो अभी याद होगा, ये भी जानते होंगे कि फैक्टर किसको कहते हैं, मल्टीपल किसको कहते हैं और रिमाइंडर किसको कहते हैं। किसी भी चीज को, किसी नंबर को सपोज करते हैं 16, इसे अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं देन रिमाइंडर 0 बचता है। जब रिमाइंडर 0 बचेगा तभी तो हम कह सकते हैं कि यस 4 इज ए फैक्टर ऑफ 16। द सेम थिंग इज देयर, यहां पे भी क्या कहा जा रहा है कि अगर रिमाइंडर 0 बचता है, इफ पी ए इज इक्वल टू 0, देन ओनली वी विल बी सेइंग दैट यस एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। और ठीक इसी का उल्ट है कि अगर एक्स माइनस ए फैक्टर है तो पी ए जो है वो 0 होगा, मतलब रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। ओके, सपोज जैसा कि हम लोग कहते हैं, एक एग्जांपल ले लें। अगर मैं कहता हूं कि हाँ मोहन मेरा भैया है, तो ऑब्वियसली मैं मोहन का भाई हूं। ठीक इसी तरह से ये भी है कि अगर कोई किसी नंबर का फैक्टर है तो ऑब्वियसली रिमाइंडर जो है वो 0 होगा, और अगर रिमाइंडर 0 हुआ है देन ऑब्वियसली जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो बड़े वाले नंबर का डिविडेंड का फैक्टर हो रहा होगा, तभी वो उसे पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। ओके, ना इसका प्रूफ देख लेते हैं थोड़ा सा। एक ही पार्ट का प्रूफ देखेंगे, उसी वह बस उसी का वो वाइस वर्सा है। ओके, रिवर्स है। तो क्या कहा जा रहा है पहला पार्ट में, दैट एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0। देन रिमाइंडर थ्योरम में हम लोगों ने पाया था कि पी ऑफ ए जो था वो क्या था, इट वॉज रिमाइंडर। ओके, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम हम लोग क्या जानते थे कि पी ऑफ एक्स वॉज इक्वल टू एक्स माइनस ए दैट वॉज जी एक्स, जिससे हम डिवाइड करते थे एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स दैट वॉज द कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या था, पी ऑफ ए। देन पी ऑफ ए की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देते हैं, यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0, देन पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये क्या बन जाता है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू कोशेंट ऑफ एक्स, अब वो तो 0 रहेगा। तो किसी भी नंबर को अगर हम लोग ऐसे लिख पाते हैं कि 7 into 5, सपोज 35 इज इक्वल टू 7 into 5, देन बोथ दिस नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ 35। ये दोनों ही नंबर जो हैं वो 35 के फैक्टर होंगे। सिमिलरली इफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स, देन ऑब्वियसली एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स एंड कोशेंट ऑफ एक्स इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ क्यू एक्स। ओके, इसको इस एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं कि अगर 35 को डिवाइड किया जाता है 7 से तो क्या मिलता है हम लोगों को, 35 डिवाइडेड बाय 7 देन आंसर इज 5 एंड वी गेट आवर रिमाइंडर 0। रिमाइंडर यहां पे 0 हो जाता है। सिमिलरली जो पी एक्स है उसे अगर डिवाइड करते हैं एक्स माइनस ए से तो आंसर आता है क्यू एक्स। ऑब्वियसली अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो यहां पर पी एक्स ही आता होगा, दैट इज एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स मस्ट बी पी एक्स पी ऑफ एक्स, देन ओनली पी ऑफ ए विल बी 0। तो पी ऑफ ए अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं ना कि एक्स माइनस ए और क्यू ऑफ एक्स ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही फैक्टर है पी ऑफ एक्स के, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स का। जैसे कि जैसा यहाँ पे था कि 7
और 5 दोनों ही फैक्टर हो रहे थे किसके 35 के। अगर 5 से हम डिवाइड करते तो क्या होता 5 × 7 वाज इक्वल टू 35, तो भी रिमाइंडर हमारा क्या आता 0 आता। ओके सो इट्स वेरी सिंपल कांसेप्ट कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 हो जाए तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं दैट नंबर विल बी डेफिनेटली अ फैक्टर ऑफ द अदर, है ना। जिससे भी हम डिवाइड कर रहे हो कोई भी नंबर हो, 240 इज डिवाइडेड बाय 15, अगर 240 को 15 से डिवाइड करते हैं देन ऑब्वियसली अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो क्या हो जाएगा वो 15 जो है वो क्या होगा दैट विल बी अ फैक्टर ऑफ 240। ओके सिमिलरली अब एक एग्जांपल देखते हैं, यहां पे दिया गया है इसी तरह के क्वेश्चन हम लोगों को मिलेंगे कि सो दैट एक्स माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स 2x³ + 7x² - 24x - 45। तो हम लोग क्या जानते हैं कि किसी को फैक्टर कब कहा जा सकता है कि रिमाइंडर उसका 0 आ जाए। अब यहां डिवाइड करने को किससे दिया गया है एक्स माइनस 3 से, देन रिमाइंडर थ्योरम में क्या बताया गया था कि जिससे भी डिवाइड करने दिया जाए उसको क्या कर दो 0 के साथ इक्वेट कर दो, देन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 3 अगर 0 के बराबर हो जाए देन ऑब्वियसली एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स हम लोगों को क्या पुट करना होगा 3। तो अब देखते हैं बाय फैक्टर थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं कि एक्स माइनस 3 तभी फैक्टर होगा जब रिमाइंडर 0 होगा, और रिमाइंडर क्या होगा पी ऑफ 3 पॉलिनोमियल ऑफ 3, मतलब जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट करना है 3 पुट करना है। देन लेट्स पुट 3 देयर, तो यहां पे क्या करते हैं हम लोग पी ऑफ एक्स वाज 2x³ + 7x² - 24x - 45, देन पी ऑफ 3 पॉलिनोमियल ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 × 3⁻³ + 7 × 3⁻²− 24 × 3 - 45, then 3 × 3 × 3 = 27 × 2 = 54, 7 × 9 = 63 and −72 − 45, that is equal to −117. Again 50 + 60 = 110 and 4 + 3 = 17, so 117 here also. तो 117 - 117 वी आर गेटिंग 0। तो जब x के वैल्यू को 3 पुट किया जा रहा है तो हमें रिमाइंडर कितना मिल रहा है रिमाइंडर जो है वो 0 मिल रहा है। देन ऑब्वियसली अगर रिमाइंडर 0 मिल गया दिस मींस दिस प्रूव्स बाय फैक्टर थ्योरम, ये प्रूव करता है कि यस ये x माइनस 3 जो है वो क्या होगा इट विल बी अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 2x³ + 7x² - 24x - 45। ओके तो ये हमारा फैक्टर थ्योरम था। जब कभी भी फैक्टर थ्योरम में जब कभी भी हमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेदर एक्सप्लेन वेदर दिस विल बी अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर, वेदर gx विल बी अ फैक्टर ऑफ px और नॉट, तो क्या करना होगा हमेशा हम लोगों को क्या दिखा देना है कि रिमाइंडर जो है वो 0 है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो फैक्टर होगा पॉलिनोमियल का। तो और रिमाइंडर 0 दिखाने का क्या तरीका है, तो देन ऑलवेज equate that gx, जो gx जो भी नंबर हम लोगों को मिले suppose x minus 7 मिलता है then equate it to 0, तो ये कितना बन जाएगा x is equal to 7 हो जाएगा। okay अगर ऐसा नहीं, अगर negative में नंबर मिल रहा हो x plus 7 equal to 0 मिल रहा है, x plus 7 से अगर divide करने दिया गया हो then x is equal to minus 7, put x is equal to minus 7 there, तो जो भी मिलता हो हम लोगों को gx जितना भी मिलता हो उसे क्या कर दिया जाए उसे हम लोग इक्वेट कर देते हैं 0 से, फिर जो वैल्यू मिलता है उससे हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं, और रिमाइंडर अगर 0 आ जाए देन ओनली वी विल बी सेइंग दैट यस द सेकंड नंबर इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। सेकंड नंबर जो होगा जो इससे भी डिवाइड करने दिया गया है वो फैक्टर है किसका पॉलिनोमियल का। सो दिस वाज योर फैक्टर थ्योरम एंड दिस कंप्लीट्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर चैप्टर। अब इसके बाद जो भी है वो हम लोग जानते हैं दैट इज फैक्टराइजेशन, किसी फैक्टर से ही बना है फैक्टराइजेशन, मतलब जो बड़े बड़े पॉलिनोमियल्स मिलेंगे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, उन सबको क्या करना है फैक्टराइज करना है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना है और फैक्टर्स उनके निकालने हैं। उसके कई सारे फार्मूलाज हैं, उन फार्मूलाज को यूज करके हम वो निकाल सकते हैं। तो वो बेसिकली हम लोग एक्सरसाइज जब हम लोग बनाएंगे तो डायरेक्ट उसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे, क्योंकि वो हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ चुके हैं दैट यस एक्स प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये सारा चीज हम लोगों का पढ़ा हुआ है। सो दिस टॉपिक इज योर लास्ट टॉपिक, लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर दैट वाज फैक्टर थ्योरम। सो प्लीज
go through remainder theorem, go through factor theorem, go through zeros of polynomial and try to understand the basics of polynomial very clearly. No confusion must be there. किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखना है. अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं फिर से आपके डाउट को क्लियर करूंगा. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.